कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लंबा तड़ंगा क्रेमियन नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर इंतहाई जदीद तराश का कीमती कपड़े का गर्म सूट था, जिससे उसकी वजाहत और नुमायाँ हो गई थी। चेहरा मुस्कुराहट की वजह से गुलाब की तरह खिला हुआ था, आंखों से जहानत टपक रही थी। शक्ल और सूरत से वो एक लाओबाली और खलंडरा नौजवान लग रहा था। उसके एक हाथ में गोल्डन तंबाकू का पाउच और पाइप मौजूद था और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते ही मेज़ के पीछे बैठा हुआ खुश मगर बारोब चेहरे वाला उधेड़ उम्र आदमी ने चौंक कर देखा और फिर सर हिलाकर उसने नौजवान को मेज़ की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इस उधेड़ उम्र आदमी के सामने मेज़ पर एक फाइल खुली हुई थी। नौजवान के आने से पहले वो उसी फाइल के मुताले में मसरूफ था और नौजवान को बैठने का इशारा करके वो दोबारा फाइल के मुताले में मसरूफ हो गया। नौजवान ने बड़े इत्मीनान से पाइप में तंबाकू भरा और फिर लाइटर से उसे आग लगाकर वो इस तरह पाइप पीने लगा जैसे यहाँ आया ही इसी मकसद के लिए हो। तीन चार कश लेने के बाद उसने पाइप को वापस मेज पर रख दिया। उसी लम्हे उधेड़ उम्र ने एक तवील सांस लेते हुए फाइल बंद कर दी और फिर गौर से नौजवान को इस तरह देखने लगा जैसे जिंदगी में पहली बार उसे देख रहा हो। क्या बात है बॉस, आज आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही उलझे हुए हैं, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और उधेड़ उम्र बॉस इस तरह चौंका जैसे नींद से अचानक जागा हो। एक्रेमिया का इंतहाई अहम तरीन मिशन इस वक्त शदीद तरीन खतरे से दुचार है, उधेड़ उम्र ने भारी आवाज़ में कहा और इस बार नौजवान चौंक पड़ा। कैसा खतरा बॉस, किस मिशन की बात कर रहे हैं आप, नौजवान ने चौंकते हुए लहजे में कहा। सुनो, रात को मैंने बहुत सोच समझ कर तुम्हारा इंतखाब किया है, लेकिन अगर तुम भी नाकाम रहे तो फिर इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा ना होगा कि ब्लू स्टार की सरबराही किसी और के सुपुर्द कर दूं। उधेड़ उम्र बॉस ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोलते हुए कहा। बॉस आखिर हुआ क्या है, आज से पहले तो आप इस कदर परेशान और उलझे हुए कभी नजर नहीं आए, रास्को ने हैरान होते हुए कहा। मैं तुम्हें मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ, तफसीलात इस फाइल में हैं, तुम खुद पढ़ लेना। हमारे मुल्क की इंतहाई खुफिया लेबॉरेटरी में गुज़िश्ता तीन सालों से एक अहम तरीन प्रोजेक्ट पर रिसर्च जारी है। उस प्रोजेक्ट का कोड नाम सीक्रेट हार्ट है। ये इंतहाई पेचीदा साइंसी प्रोजेक्ट है, लेकिन उसकी खास बातें यह हैं कि नौ दरियाफ्त शुदा रेस जिन्हें T1 कहा जाता है को मखसूस अंदाज में इस्तेमाल किया जा सके। इन रेज की हकीकत यह है कि इनकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा तेज़ होती है और इनको अगर मखसूस अंदाज में रिचार्ज किया जाए तो इनकी ताकत एक हाइड्रोजन बम जितनी हो जाती है। T1 रेज को नौ दरियाफ्त शुदा इसलिए कहा जाता है कि अभी इस पर होने वाली रिसर्च से दिफाई तौर पर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उठाया जा सका, ना ही इसे कोई ख़ास हथियार बनाया जा सका है और ना इनकी तबाही की रेंज बढ़ाई जा सकी है। इन रेज के मुतालिक तमाम सुपर पावर्स की लेबॉरेटरियों में मुसलसल रिसर्च की जा रही है। एन अभी तक कोई काबिल जिक्र पेशरफ नहीं हो सकी, लेकिन हमारी लेबॉरेटरी में एक मुख्तलिफ अंदाज में काम हो रहा है और ये काम एक्रेमिया का एक मशहूर यहूदी साइंसदान प्रोफेसर फंक्स कर रहा है और उसके लिए इंतहाई कसीर सरमाया इसराइल अदा कर रहा है। प्रोफेसर फंक्स एक ऐसे सुपर कंप्यूटर पर काम कर रहा है जिससे इन रेज को मखसूस टारगेट्स पर आसानी से हिट किया जा सकता हो। इस सुपर कंप्यूटर का कोड नाम सीक्रेट हार्ट है और यह सुपर कंप्यूटर अब तक मील के आखिरी मराहिल में है। जब यह सुपर कंप्यूटर मुकम्मल हो जाएगा तो उसे इसराइल में नस्ब किया जाएगा और फिर इसराइल में इस सुपर कंप्यूटर की मदद से T1 रेज को पूरे मशरक़ वस्ती अफ्रीका और एशिया में मखसूस टारगेट्स पर आसानी से हिट कर सकेगा। उसके साथ साथ सुपर पावर रूसिया भी इन रेज की जद में आ जाएगा और वहाँ भी मखसूस टारगेट्स को आसानी से हिट किया जा सकता है। मखसूस टारगेट इसलिए बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इंग्रेज की तबाही का दायराकार बेहद महदूद है, सिर्फ 100 मुरबा मीटर की रेंज में मौजूद हर चीज़ तबाह हो जाएगी, बस इससे ज़्यादा नहीं, इसलिए उन्हें मखसूस टारगेट्स पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है और टारगेट्स भी ऐसे जो 100 मुरबा मीटर के रकबे में मुकम्मल हो जाते हों, बॉस ने तफसील बताते हुए कहा। ऐसे कौन से टारगेट्स हो सकते हैं बॉस, एक आम सी फौजी छानी भी मीलों में फैली होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई डैम, कोई पोल या रनवे का कोई ख़ास हिस्सा उनसे तबाह किया जा सकता है, उसके लिए इस कदर सरमाया और इस कदर वक्त ज़ाया करने का क्या फ़ायदा, और फिर इस लिहाज से तो ये किसी तरह भी कोई अहम मिशन नहीं लगता, रास्को ने होंठ पींचते हुए कहा।
इसराइल जिन टारगेट्स के लिए ये कसीर सरमाया खर्च कर रहा है वो उसके लिए इंतहाई अहम है। मिसाल के तौर पर एशिया के एक मुल्क पाकेशिया में एटमी रिसर्च सेंटर कायम है, जहाँ जदीद तरीन और इंतहाई तबाहकुन बम और मिसाइल बनाने पर मुसलसल रिसर्च जारी है। ऐसे बम जिनसे क्रीमिया और रूसिया को भी इंतहाई तशवीश है, क्योंकि पाकेशिया की कामयाबी का मतलब पूरी दुनिया में फैली हुई मुस्लिम हुकूमतों की कामयाबी होगा, क्योंकि पाकेशिया पूरी दुनिया की मुस्लिम हुकूमतों का इस मामले में लीडर बना हुआ है। और इस रिसर्च में कामयाबी के बाद रूसिया और क्रीमिया के अलावा एक ऐसा सुपर पावर ब्लॉक कायम हो जाएगा जिसके सामने रूसिया और क्रीमिया हर लिहाज से कमतर पड़ जाएंगे। ये ब्लॉक मुस्लिम ब्लॉक होगा और तुम जानते हो कि मुस्लिम ब्लॉक में वसाइल और अफरादी कुव्वत की कोई कमी नहीं है। अब तक उनके इकट्ठे ना होने में सिर्फ साइंस और दिफाई तौर पर पसमानगी है, लेकिन अगर पाकेशिया साइंसी और दिफाई अंदाज में इतना आगे बढ़ गया कि उसने रूसिया और क्रीमिया सबसे ज्यादा तबाहकुन असला बना लिया, तो फिर पाकेशिया की सरबराही में लाजमन ये मुस्लिम ब्लॉक कायम हो जाएगा। फिर शुगरान भी इस हालात ब्लॉक की हमायत करेगा। नतीजा ये कि पूरी दुनिया पर मुस्लिम ब्लॉक छा जाएगा और क्रीमिया और रूसिया तो सिर्फ कमतर पड़ेंगे, जबकि इसराइल को तो वजूद ही सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। इसलिए क्रीमिया और इसराइल ने खास तौर पर और रूसिया ने आमतौर पर इस रिसर्च सेंटर को तबाह करने की अक्सर कोशिश की है, लेकिन आज तक नाकाम रहे हैं। इसराइल सीक्रेट हार्ट से सबसे पहला निशाना इस रिसर्च सेंटर को बनाना चाहता है, क्योंकि इसकी तबाही उसकी अपनी बका के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा चंद और मुस्लिम ममालिक में छोटे छोटे ऐसे ही टारगेट्स हैं जो फिलहाल इतने अहम नहीं हैं। एक और अहम तरीन टारगेट मुसलमानों के मुकदस तरीन मकामात, जिनकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान एक मरकज में जमा हो जाते हैं, उनकी तबाही है। ये टारगेट्स ऐसे हैं जो सेक्रेट हार्ट से आसानी से तबाह किए जा सकते हैं। फिर इसराइल का तोफैली मुल्क है और क्रीमिया उसे इसलिए भी इंतहाई ताकतवर बनाना चाहता है कि अगर कभी रूसिया और क्रीमिया में जंग हो तो इसराइल क्रीमिया के हवारी के तौर पर काम करेगा और इस तरह रूसिया के गिर्द आसानी से घेरा डाला जा सकता है। दूसरी बात यह कि क्रीमिया की तमाम तर मईशत पर यहूदियों का कब्जा है। अगर यहूदी क्रीमिया की मईशत से ज़रा सा भी हाथ खींच लें, क्रीमिया की सारी ताकत और कुव्वत एक लम्हे में खाक में मिलकर रह जाएगी। इसलिए क्रीमिया के मुकम्मल मफादात इसराइल के साथ वाबस्ता हैं, बॉस ने एक बार फिर तफसील बताते हुए कहा। ठीक है बॉस, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि सीक्रेट हार्ट की क्या अहमियत है, रास्को ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। अब सुनो, इस मंसूबे को इंतहाई खुफिया रखा गया था और अब तक ये कामयाबी से खुफिया चला आ रहा था, लेकिन फिर एक एक्रेमियन एजेंट ने गद्दारी की। उसका नाम मिकाले था। मिकाले वो एक्रेमियन शहरी था, लेकिन उसका दादा और दादी रूसियाई थे और वहाँ से वो फरार होकर एक्रेमिया में आ गए थे और फिर यहाँ उन्होंने मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली थी। आज तक मिकाले के दादा और उसके बाप या ख़ानदान के किसी फर्द की तरफ से क्रीमिया के खिलाफ काम करने या रूसियाई एजेंटों से रबते की कोई खबर ना थी। और फिर मिकाले तो एक तरफ उसका बाप भी क्रीमिया में पैदा हुआ था, लेकिन मिकाले को न जाने क्यों रूसियाइयों से मोहब्बत थी। बहरहाल मिकाले ने गद्दारी की और उसने सीक्रेट हार्ट के बारे में एक अहम फिल्म चोरी कर ली, जिससे सीक्रेट हार्ट का राज आउट हो सकता था। लेकिन चूंकि उसे मालूम था कि अगर उसने किसी रूसियाई एजेंट से रब्ता कैम किया तो वह फौरन ही नज़रों में आ जाएगा और इस तरह उसके पूरे ख़ानदान को मुसाइब का सामना करना पड़ जाएगा, इसलिए उसने एक और खेल खेला। उसने पाकिस्तानी सफारतखाने में एक सकाफती अताशी अफंदी से दोस्ती कर ली। अफंदी फनून लतीफ़ा की लाइन का आदमी है। उसका कभी सीक्रेट एजेंटों से रब्ता नहीं रहा और ना वो इस टाइप का आदमी था, इसलिए उस पर किसी को शक भी न था। मिकाले शायर भी था और शायद इसी शायरी के हवाले से उसने अफंदी से दोस्ती कर ली और फिर वो राज उस अफंदी को दे दिया और उसने शायद अफंदी को बताया कि अगर ये राज पाकेशिया ना पहुंचा तो फिर पाकेशिया एकेडमी रिसर्च सेंटर और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात इसराइल के हाथों तबाह हो जाएंगे। तुम जानते हो कि मुसलमान इस बारे में किस कदर जुनूनी होते हैं। चुनांचे अफंदी ने उसे वादा कर दिया कि वो इस फिल्म को सफारती बैग के जरिए पाकेशिया के आला हुकाम तक पहुंचा देगा। इस तरह शायद मिकाले को यकीन था कि पाकेशिया से ये राज आउट होगा और आखिरकार रूसिया को इसका इलम हो जाएगा और रूसियाई एजेंट सीक्रेट हार्ट के खिलाफ हरकत में आ जाएंगे। लेकिन मिकाले की इस गद्दारी के बरवक्त इलम हो गया और स्पेशल एजेंसी हरकत में आ गई। मिकाले को गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन उसने खुदकशी कर ली और ख़ुदकशी से पहले ये इल्म हो गया कि उसने ये राज अफंदी को दिया है। चुनांचे अफंदी को अगवा कर दिया गया।
लेकिन चूंकि उसका ताल्लुक सफारतखाने से था, इसलिए पाकेशे को मुतमिन करने के लिए एक नया ड्रामा रचाया गया और नकली अफंदी को सामने लाया गया। उसे रूसियाई एजेंट के तौर पर गिरफ्तार किया गया और एक ट्रांसमीटर और आमसी खुफिया दस्तावेजात उससे बरामद कर ली गई और उसने इकरार जुर्म कर लिया और क्रीमिया के आला हुकाम ने पाकेशिया के सदर की इजाज़त से उसे स्पेशल एजेंसी की तहवील में दे दिया। ये खबर एक अखबार ने बम फोटो छाप दी। इस तरह रूसियाई एजेंटों को पता चल गया, उन्होंने स्पेशल एजेंसी के मरकज पर नकली अफंदी को छुड़ाने के लिए रेड किया, मगर इस रेड में वो एजेंट भी मारे गए। नकली अफंदी भी मारा गया लेकिन असली अफंदी बहरहाल महफूज रहा। उस पर राज उगलवाने के लिए तशद्दुद किया गया लेकिन थर्ड डिग्री के इस्तेमाल के बावजूद उसने जबान ना खोली और फिर उसे राज उगलवाने के लिए मिलिट्री के मखसूस टॉर्चर सेल के हवाले कर दिया गया और फिर यहीं से असल बदकिस्मती का आगाज़ हो गया। अफंदी टॉर्चर सेल वालों को चक्कर देकर फरार हो गया और उसने टॉर्चर सेल के मेजर टामी को अलग कर दिया, लेकिन जल्द ही उसे पकड़ लिया गया और एक बार फिर टॉर्चर सेल के हवाले कर दिया गया। लेकिन ना सिर्फ वो वहाँ से फरार हो गया बल्कि उसे फरार कराने वालों में टॉर्चर सेल के मेजर ब्राउन और कैप्टन मार्क शामिल थे। टॉर्चर सेल के इंचार्ज कर्नल जॉनसन को उन्होंने हलाक कर दिया। जाहिर है ये असल लोग ना थे। बहरहाल वो अभी छावनी में ही थे कि कर्नल जॉनसन की लाश ट्रेस हो गई और उन्हें छावनी की हदूद में रोका गया, लेकिन वो बेपनाह तबाही मचाते हुए छावनी से निकले और मलका जंगल में गायब हो गए। इस जंगल पर गनशिप हेलीकॉप्टरों से बेपनाह गोलियां बरसाई गईं और फौज की एक रेजिमेंट उन्हें जंगल में तलाश करती रही, लेकिन वो तो ना मिल सके। अलबत्ता जंगल से ही मेजर ब्राउन और कैप्टन मार्क की लाशें मिल गईं, जिनके चेहरे मसख कर दिए गए थे, और एक कार भी वहां से मिली जिसकी नंबर प्लेट जेली थी और असल कार कहीं रजिस्टर्ड ही न कराई गई थी। इस तरह ये लोग गायब हो गए। अब आओ दूसरी तरफ। स्पेशल एजेंसी के हेडक्वार्टर में सुपर टॉप के दो एजेंट स्पेशल एजेंसी के चीफ शाटूफ से मिलने आए। जब वो वापस चले गया तो मालूम हुआ कि शाटूफ और उसकी सेक्रेटरी दफ्तर में बेहोश पड़े हैं। उन्हें होश में लाया गया तो शाटूफ ने बताया कि सुपर टॉप के ये दो एजेंट उससे सीक्रेट हार्ट की फाइल ले गए हैं। उन्होंने शाटूफ पर बेपनाह तशद्दुद किया था। सुपर टॉप के दोनों कार्ड असली थे। शाटूफ ने उन्हें चेक कर लिया था, लेकिन जब बाद में इंक्वायरी की गई तो पता चला कि दोनों एजेंट जो आपस में सके भाई हैं, एक माह से किसी खसूसी मिशन पर मुल्क से बाहर गए हुए हैं और उनके कार्ड उनकी रिहायशगाह में मौजूद थे जहां से उन्हें चोरी किया गया था। अब आओ एक और पहलू की तरफ। मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ को उसके एक जाती यहूदी दोस्त ने इतला दी कि सीक्रेट हार्ट के सिलसिले में चार पाकिस्तानी एजेंट जिनका लीडर अली इमरान है, एक शख्स ग्रैंडफादर के पास आए हैं और उसने उन्हें कोठी मुहैया की है। और यह भी बता दूं कि उस ग्रैंडफादर ने जो मालूमात फरोख्त करने का धंधा करता है, मिकाले की इस गद्दारी और अफंदी की निशानदही स्पेशल एजेंसी को की थी और उसकी मुखबरी पर ही स्पेशल एजेंसी अफंदी के खिलाफ हरकत में आई थी। बहरहाल मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने फौरन अपने मेजर जोसेफ को चार आदमियों के साथ उसकी कोठी में उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। वो आदमी जिसने इतला दी थी साथ था, लेकिन फिर इतला मिली कि वो कोठी खौफनाक धमाके से तबाह हो गई है और उसके मलबे से उस आदमी मेजर जोसेफ और उसके साथियों की जली हुई लाशें मिल सकी। इस तरह ये क्ल्यू भी ख़त्म हो गया। अब सूरत हाल ये है कि सीक्रेट हार्ट की फाइल गायब है, अफंदी को छुड़ा लिया गया है और बावजूद तलाश के उसका पता नहीं चल रहा, और ये भी तय है कि ये सारी कार्रवाई पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की है और लाजमन अब पाकेशिया सीक्रेट सर्विस सीक्रेट हार्ट के इस प्रोजेक्ट को तबाह करने की कोशिश करेगी। चुनांचे आला सतह पर होने वाली एक इंतहाई खसूसी कमेटी में ये फैसला किया गया कि ये केस ब्लू स्टार को रेफर कर दिया जाए ताकि इन एजेंटों का भी खात्मा किया जा सके और इस लेबॉरेटरी की भी हिफाजत की जा सके जिसमें ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहा है। अब ये केस ब्लू स्टार के लिए एक चैलेंज बन चुका है और क्रीमिया और इसराइल की नज़रें अब ब्लू स्टार की कारकर्दगी पर लगी हुई हैं। मैंने इस लेबॉरेटरी की हिफाजत के लिए ब्लू स्टार के सुपर एक्शन ग्रुप को तैनात कर दिया है और इन एजेंटों के खात्मे के लिए मैंने तुम्हें मुंतखब किया है, बॉस ने तफसील बताते हुए कहा। आपने मुझ पर जो एतमाद किया है बॉस, मैं उस पर पूरा उतरूंगा और अब मैं पूरी तरह समझ गया हूं कि यह किस कदर अहम मिशन है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो फाइल शाटूफ से उन एजेंटों ने हासिल की है उसमें इस लेबॉरेटरी की तफसीलात भी मौजूद हैं या नहीं, उसने इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा। ओह हाँ, ये वाकई अहम बात थी जो मैं बताना भूल गया था। उस फाइल में जो तफसीलात दर्ज थी उसमें अहम बात उसका अंदरूनी नक्शा, प्रोफेसर फिंक्स का नाम, उसके मुतालिक तफसीलात और सीक्रेट हार्ट के टारगेट्स के बारे में आमसी मालूमात थी।
ये फाइल शुरू में इसलिए बनाई गई थी कि स्पेशल एजेंसी लिबर्टर की हिफाजत कर सके, लेकिन फिर उसकी हिफाजत का काम मिलिट्री इंटेलिजेंस के जिम्मे लगा दिया गया। इस तरह ये फाइल तो शाटूफ के पास मौजूद रही, लेकिन उसमें मजीद तफसीलात शामिल ना हो सकी। बहरहाल इस फाइल से इस लिबर्टरी का महल वकू और उसकी शख्स का किसी तरह पता नहीं चलाया जा सकता, और यही बात हमारे लिए इत्मीनान की है, क्योंकि इस लिबर्टरी का पता चलाना तकरीबन नामुमकिन है। चाहे ये पाकिस्तानी एजेंट लॉक सर पटकें, ये लिबर्टरी तक नहीं पहुंच सकते। उसके बावजूद मैंने मुकम्मल सेक्शन उसकी हिफाजत के लिए पहुंचा दिया है, बॉस ने कहा। और अभी उसने बात ख़त्म ही की थी कि मेज़ पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और बॉस ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, बॉस ने रिसीवर उठाकर इंतहाई करख्त लहजे में कहा, स्पेशल एजेंसी के चीफ का फ़ोन है, वो आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, बात कराओ, बॉस ने खुश्क लहजे में कहा, और एक लम्हे बाद क्लिक की आवाज़ के साथ स्पेशल एजेंसी के चीफ शाटूफ की आवाज़ रिसीवर से सुनाई दी। हेलो मार्कम, मैं शाटूफ बोल रहा हूँ, बोलने वाले का लहजा भारी था। मार्कम बोल रहा हूँ, क्या बात है, कैसे फ़ोन किया है, बॉस ने नरम लहजे में जवाब देते हुए कहा। रास को जानता था कि बॉस मार्कम और शाटूफ के दरमियान इंतहाई गहरे दोस्ताना तल्लुकात हैं, इसलिए उनकी आपस में खासी बेतकल्फी है। मार्कम, मुझे जब पता चला कि सीक्रेट आर्ट का केस तुम्हारी एजेंसी को रेफर हो गया है तो यकीन जानो मैं बेहद खुश हुआ हूँ। अब यकीनन ये खौफनाक पाकिस्तानी एजेंट पकड़े जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी एजेंसी का रिकॉर्ड इन मामलों में बेहद शानदार है, शाटूफ ने कहा। ओह शुक्रिया शाटूफ, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम पर होने वाले तशद्दुद का बदला उनसे ज़रूर लूँगा, मार्कम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो तो जाहिर है तुम लोगे, लेकिन मेरे फ़ोन करने का मकसद दूसरा है। एक बात तो यह है कि तुम्हारा आज तक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से टकराव नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारी एजेंसी उनके मुतालिक कुछ नहीं जानती, जबकि मेरे पास उनकी फाइल मौजूद है जिसमें किसी हद तक मालूमात मौजूद हैं, ख़ासतौर पर उनके रिंग लीडर अली इमरान के बारे में। और दूसरी बात यह है कि स्पेशल एजेंसी के खसूसी शोबे ने एक टेलीफोन कॉल ट्रेस की है जिसमें बातें अजीब मुबम सी हैं, जिनका बज़ाहिर कोई सर पैर नहीं है, जिस पर उसे चेक भी किया गया कि कहीं ये कोड ना हो। जिस फ़ोन नंबर पर ये बातें हुई हैं, हैरत अंगेज बात यह है कि ये उस फ़ोन नंबर का एक्सचेंज से इलम ही नहीं हो सका, एक्सचेंज वाले इस फ़ोन नंबर से ही लाइलम हैं, अलबत्ता जिस फ़ोन से कॉल की गई है उसे ट्रेस कर लिया गया है, वो पब्लिक फ़ोन बूथ है। मैंने सोचा कि हो सकता है ये कॉल उन्हीं पाकिस्तानी एजेंटों की हो, इसलिए मैंने इस कॉल का टेप और फाइल दोनों तुम्हारे महकमे को भिजवा दी हैं, जो अब तक पहुंच गई होंगी। अगर उनसे तुम्हें फ़ायदा पहुंचा तो ये मेरे लिए भी खुशी की बात होगी, शाटूफ ने तफसील बताते हुए कहा। ओह वेरी थैंकफुल टू यू शाटूफ, फिक्र ना करो, ये एजेंट ब्लू स्टार के हाथों से ना बच सकेंगे, मार्कम ने कहा। ओके विश यू गुड लक, दूसरी तरफ से शाटूफ ने कहा, और उसके साथ ही उसकी तरफ से रब्ता ख़त्म हो गया। मार्कम ने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबा दिया। यस बॉस, दूसरी तरफ से वही आवाज़ सुनाई दी जिसने पहले उसे शाटूफ की कॉल से आगाह किया था। स्पेशल एजेंसी से एक फाइल और टेप भेजी गई है, क्या वो पहुंच गई है, मार्कम ने करख्त लहजे में कहा। यस बॉस, अभी पहुंची है, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ये फाइल और टेप है मार टेप रिकॉर्डर, मेरे दफ्तर पहुंचा दो फौरन, मार्कम ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। रास को इस दौरान खामोश बैठा पाइप पीने में मसरूफ हो गया था। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने एक जदीद किस्म का टेप रिकॉर्डर, एक टेप और एक फाइल बॉस के सामने रखी और फिर सलाम करके वापस चला गया। पहले ये टेप सुन लें, शायद कोई काम का क्ल्यू मिल जाए, बॉस ने कहा और टेप को रिकॉर्डर में फिट करके उसका बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद एक आवाज़ उभरी। यस, एक सख्त आवाज़ रिकॉर्डर से उभरी, क्या ये 353713 नंबर है, एक आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मगर कौन पूछ रहा है,
पहली आवाज सुनाई दी और इस बार कुर्सी पर इत्मीनान से बैठा हुआ रास को चौंक कर सीता हो गया। उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई थी। मुझे ये नंबर प्रिंस ऑफ डंप ने दिया था, दूसरी आवाज ने कहा। ओह अच्छा अच्छा, कौन साहब? प्रिंस साहब तो यहाँ मौजूद हैं, पहली आवाज ने तेज लहजे में कहा। मेरा नाम वो जानते ही हैं, बस तुम प्रिंस से बात करा दो, दूसरी आवाज ने कहा। क्या हुआ, वो मानी या ना मानी, एक और आवाज सुनाई दी। बोलने वाले का लहजा ऐसे था जैसे वो बात करते वक्त मुस्करा रहा हो। ना भला, कभी हाँ में तब्दील हुई है ना प्रिंस, तीसरी आवाज ने जवाब दिया। और फिर उनके दरमियान उसी किस्म की इंतहाई बेमैनी और मोबम सी बातें होती रहीं। और फिर टेप में से साई साई की आवाजें निकलने लगीं। ये क्या बकवास टेप भेजी है शाटूफ ने, कहीं उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया तशद्दुद की वजह से, मार्कम ने इंतहाई बिगड़े हुए लहजे में कहा। उसका लहजा ऐसा था जैसे उससे अपना वक्त जाया होने पर गुस्सा आ रहा हो। ये बेहद अहम टेप है बॉस, और बॉस शाटूफ तो इस नंबर को ट्रेस नहीं कर सका, लेकिन मैंने उसे ट्रेस कर लिया है। और ये बातचीत भी उन पाकिस्तानी एजेंटों के दरमियान हो रही थी, रास्को ने कहा। और मार्कम उसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। अच्छा वो कैसे, बॉस ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस जो पहली आवाज टेप से निकली है मैंने उसे अच्छी तरह पहचानता हूँ, ये रोनाल्ड की आवाज है जो असले का मशहूर स्मगलर है। उसके साथ साथ वो दुनिया के बेहतरीन शार्पर भी रहा है, और मैंने शार्पिंग का फन उसी से सीखा है। वो मेरी हकीकत नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता है कि मैं किसी लॉर्ड का बेटा हूँ और अपने बाप की जागीर पर ऐश करता फिरता हूँ। और वैसे ये हकीकत भी है। बहरहाल मुझे ये भी मालूम है कि रोनाल्ड पाकिस्तान में भी काफी अरसा रहा है, उसका भाई वहां रहता था और वो चूंकि उस वक्त बेकार था इसलिए अपने भाई के पास जाकर रहने लगा। फिर उसका भाई वहां किसी हादसे में हलाक हो गया और वो अपने भाई के तमाम असासे फरोख्त करके वापस आ गया, और फिर यहां उसने एक बार बना ली। उसका कारोबार चमक गया तो उसने असले की स्मगलिंग शुरू कर दी, लेकिन चूंकि ये हमारी लाइन का काम नहीं है इसलिए मैंने उस पर कभी तवज्जो न दी थी। उसे ये साबित होता है कि ये बातें करने वाले लाजमन पाकिस्तानी एजेंट थे, ये रोनाल्ड पाकिस्तान में रहने की वजह से उनका वाकिफ होगा, उन्होंने इसके पास पनाह ली होगी। मैं उसे फौरन ढूंढ लूँगा और फिर इन पाकिस्तानी एजेंटों को ट्रेस करना मुश्किल न रहेगा, और एक बार ये ट्रेस हो गया तो फिर रास्को और उसके ग्रुप के पंजे से आसान उनके जिस्म तो कम अज कम नहीं निकल सकेंगे, रूहें ज़रूर निकल जाएँ तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता, रास्को ने बड़े ठहरे हुए लहजे में बात करते हुए कहा। ओह वेरी गुड रास्को, वेरी गुड, फिर तो ये वाकई इंतहाई अहम तरीन कुलियो है। अब मुझे यकीन है कि तुम इनका खात्मा करके ब्लू स्टार के शानदार रिकॉर्ड में एक और अहम कारनामे का इजाफा कर दोगे, मार्कम ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, सब ओके हो जाएगा, अब मुझे इजाज़त दें ताकि मैं अपना मिशन शुरू कर सकूँ, रास्को ने मुस्कराते हुए कहा। हाँ ये शाटूफ वाली फाइल और ये फाइल भी ले जाओ, खुद ही पढ़ लेना, बॉस ने कहा। अब इनकी ज़रूरत नहीं रही बॉस, रोनाल्ड वाला कुलियो मिल जाने के बाद अब मेरा मिशन बिल्कुल ही आसान हो गया है, रास्को ने कहा। और बॉस के साथ हिलाने पर वो कुर्सी से उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।